हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो गुड़हल के प्लांट में आपको क्या करना है, आपके प्लांट में भर भर के फूल आए तो आपको सबसे पहले गुड़हल में आप थोड़ी सी आप खाद डालेंगे और पौधे की गुड़ाई करेंगे तभी आप खाद डालेंगे। तो हमें सिर्फ एक ही चम्मच खाद काफ़ी है जिससे सैकड़ों फूल आपके गुड़हल में आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको केले के छिक्कल वगैरह लेने हैं, उसका सूखा पाउडर बना के आप अपने प्लांट में डालिए। 10-15 दिन के अंदर ये आपको महीने में दो बार ही डालना है। और प्याज के छिक्कल का भी पाउडर या प्याज के छिक्कल को सुखा कर आप डाल सकते हैं, या प्याज और केले का छिक्कल के लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डालिए तो आपके प्लांट में भर भर के फूल आएंगे। क्योंकि पोटेशियम की मात्रा और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है जब प्याज का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाएं, तो उसमें एक पत्ती चाय की पत्ती आप सूखी चाय पत्ती आप डाल दीजिए तो अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। वो अपने गुड़हल के प्लांट में आप डालिए और पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा बरसात है तो इस समय इन बातों का ध्यान में रखना है, आप अपने प्लांट में प्रूनिंग भी कीजिए। और अगर आपका प्लांट गमले में लगा है तो उसमें ड्रेनेज होल का भी ध्यान रखिए और पानी देखिए आपके गमले में पानी रुक तो नहीं रहा है। और इस तरीके से आप फंगीसाइड की जगह पर आप राख का भी इस्तेमाल कीजिए, उसमें भी पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है जो फंगीसाइड की तरह भी काम करेगा और आपके फंगीसाइड की तरह और फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करेगा। राख भी आप 15 दिन में एक बार ज़रूर आप अपने प्लांट में डालिए जिससे आपके प्लांट में बहुत अच्छे फूल आएंगे। तो ये आप लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, जब आपकी मिट्टी ड्राई हो तभी आप डालिए। और मेरे गुड़हल में देखिए फूल आते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट में इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और चींटियाँ वगैरह लगे हैं तो हल्दी पाउडर और फंगीसाइड का यूज़ कीजिए, राख का यूज़ कीजिए, तब आपके प्लांट में सैकड़ों फूल आएंगे। मैंने ये केले के छिक्कल ऐसे ही मैंने रख दिए हैं क्योंकि ये इसी गमले में सूखते रहेंगे, और ये प्याज के छिक्कल हैं और जब ये सूख जाएंगे तो मैं मिट्टी में मिला दूंगी। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं और बहुत अच्छा पोटेशियम और कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस के अच्छे स्रोत हैं। तो ये आप छिक्कल का यूज आप कर सकते हैं, बहुत भर भर के फूल आएंगे। तो आप इस तरीके से थोड़ी सी केयर करेंगे तो आपके गुड़हल के प्लांट में बहुत अच्छे फ्लावर आएंगे। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में फ्लावर लाने के लिए केले के छिक्कल, प्याज के छिक्कल और राख का यूज़ कीजिए, चाय पत्ती का यूज़ कीजिए, आपके प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। और आप इसमें वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद भी आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं और इस तरीके से भर भर के आपके प्लांट में फूल आएंगे। और पानी का ध्यान देना है, अगर बरसात बराबर हो रही है तो पानी ना दें, और बरसात थोड़ा रुक के हो रही है और आपकी मिट्टी सूख गई है तो पानी जरूर दें। और धूप का भी ध्यान रखें, पौधे को 6 से 8 घंटे की धूप जरूर चाहिए तभी आपके गार्डन में भर भर के फूल आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।